आ जाओ। हुकुम मालिक। अकबर तैयारी पकड़ लो, कल हम रावलपिंडी जा रहे हैं। और कमाली से टिकट्स की अपडेट ले लेना। ठीक है मालिक। परीजाद? ओ परीजाद! ओए तू, ओ अचानक ऐसे तू, ओ बता तो देता यार, मैं आ जाता यार। तू ये तो देख, ओ हाँ यार, देख तो सही यार, तू दाढ़ी बड़ा चंगा लग रहा। ओ मैं भी कितना पागल हूँ यार, ओ दरवाजे पर ही सारी अपनी दास्तान शुरू कर दी है। ओ अंदर अंदर, ओ परिजाद आया है भाई। ओ सुग्रा देख कौन परिजाद आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम परिजाद। अरे भाई वाह, मेरे तो घर के बाग जाग उठे। पता है असगर, आज सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी, मुझे पता था जरूर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हाय मेरा भाई घर आ गया, खैर खैरियत से बाइज्जत रहा। ओ चादर क्या खेल रहे हैं? ओ चाचू आए, चाचू आ जाओ। शर्मा रहे हैं अकबर भाई, ये दोनों बच्चे हमारे, वो अल्लाह ने हमको औलाद से नवाजा है। वो 4 साल का मेरा बेटा है, वो गुड़िया है मेरी। माशाल्लाह। अकबर भाई और भाभी कहाँ हैं? अरे वो तो अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। माशाल्लाह से जो तुम पैसे भेजते रहे हो ना, उसी से उन्होंने अपना घर खरीदा है। और ये अब्बा वाला मकान हमारे हिस्से में आ गया है। अस्कर ने भी एक छोटा सा प्लॉट लेके रखा है। सारी बातें तुम अभी करोगी क्या? देवर इतना दूर से आया, इससे कोई चाय पानी पूछो, बल्कि खाने का वक्त हो रहा है, खाना बना लो फौरन। है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपने भाई का पसंदीदा भिंडी गोश्त और भुने हुए करेले बना के लाती, मुझे सब याद है। फौरन फटाफट बना लो। तुम दोनों गपशप लगाओ, मैं खाना लगाती हूँ जल्दी से, ठीक है? वाओ नो चाचू आए। अस्कर भाई, सईदा आपकी कैसी हैं? मुलाकात तो होती होगी आपकी। वो सईदा, अरे सारी बातें इधर करेगा क्या? चल अंदर चल के आराम से बात करते हैं, आजा। और सब कुछ इधर ही है तेरा, आजा।